मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बहू शालिनी यादव अपने ससुराल उज्जैन पहुंच गई हैं। शालिनी ने बाबा महाकाल के दर्शन कर गृह प्रवेश किया। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। शालिनी यादव अपने पति वैभव के साथ महाकाल मंदिर पहुंची और भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर समिति ने वर वधू को भगवान शिव का छाया चित्र उपहार में दिया। आपको बता दें कि 24 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे वैभव और शालिनी की शादी राजस्थान के पुष्कर में हुई थी। शादी में वर वधु पक्ष के रिश्तेदारों के अलावा चुनिंदा मेहमानों को ही आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने बेटे वैभव की शादी हरदा के एक किसान परिवार की बेटी से की है। हरदा की रहने वाली शालिनी यादव के पिता का नाम सतीश यादव है, जो एक किसान है। शालिनी यादव ग्रेजुएट है और उन्होंने अपनी पढ़ाई इंदौर और उज्जैन से की है। बात करें वैभव यादव की तो वो पिता की तरह ही बीजेपी से जुड़े हैं। वैभव बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक हैं। इससे पहले वो एबीवीपी में सहमंत्री भी रह चुके हैं। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।